नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ नीतू। आइए आज के खबरों से रूबरू होते हैं। बिहार के भोजपुर के सिकहटा क्षेत्र के मोती बाजार में नवरात्र की सप्तमी के दिन माँ दुर्गा का पट खुल गया, जहां दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही, जिसमें नवजागरण युवा कमेटी के अध्यक्ष लाल बाबू, सचिव नागेंद्र कुमार, उप सचिव राजू पासवान आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि यहां माँ दुर्गा की पूजा 1980 से होती आ रही है और रात्रि में नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेला लगा रहा, जहां भव्य पंडाल बनाया गया था जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। यहां के पुजारी ने हमारी फास्ट न्यूज टीम से बताया कि नवरात्रि में विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। Thank you.
इलाहाबाद के प्रतापपुर ब्लॉक में उदगी ग्राम के ग्रामीणों ने कोटे के चयन में अनियमितता के परिसर में विरोध जताया। दशरथ बिंद की अगुवाई में ग्रामीणों ने आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी द्वारा आरोप की जांच की गई है। ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से शिकायत कर कोटे का चयन नियमानुसार कराने की मांग की है एवं ग्रामीणों का कहना है कि कोटा मुन्नी देवी के पास था, लेकिन उनकी मौत के बाद नियमों के ताक पर रखते हुए आपूर्ति निरीक्षक द्वारा मुन्नी देवी के पति को कोटेदार बना दिया गया। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने बताया कि कोटेदार का चयन नियमों के अनुसार हुआ है। इसमें एसडीएम ने बताया कि लोगों की शिकायत थी कि उन्हें राशन नहीं मिलता है। इस बात को लेकर मीडिया कर्मी जब आपूर्ति निरीक्षक के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे ग्राम सभा उदगी में जी बिना ग्राम प्रधान के सिग्नेचर एवं ना तो जो है सहायक विकास अधिकारी के सिग्नेचर के बिना खुली बैठक के बिना खुली प्रस्ताव के कोटे का चयन कर दिया गया है। कोटे का चयन कौन किया है? कोटे का चयन जो है सहायक विकास अधिकारी और जो है सप्लाई इंस्पेक्टर ने किया है। सप्लाई इंस्पेक्टर हंडिया? हंडिया। अच्छा, तो अभी जो कोटेदार हैं वो राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? राशन कोटेदार जो है जो 35 लोगों का नाम हमारे यहाँ अप्रैल में जुड़ा है जी, वो जो है 2-3 महीने लोग राशन उठा चुके हैं, उसके बाद अब की बार गए तो उनको भगा दिया गया, राशन नहीं दिया गया। राशन नहीं दिया गया नहीं। अभी जैसा कि आपने जानकारी दिया है कि जिनका कार्ड 4th महीने में सेट है जी, उनको 2 महीने राशन दे के उसके बाद से राशन नहीं दिया नहीं, गया नहीं, ऐसे कितने पात्र होंगे जिनको राशन? 35 पात्र हैं। 35 कार्ड हैं जी, जिनकी यूनिट लमसम में 450-400 यूनिट की राशन लगभग मान लीजिए 3 महीने से नहीं मिल रही। नहीं, 3 महीने से नहीं मिल रही है, इस महीने से नहीं मिली है। इस महीने नहीं दिया गया। क्या बोला कोटेदार? कोटेदार बोला कि आप लोगों का नाम जो है वोटर मतलब लिस्ट में नहीं आया है, ना तो आप लोगों को राशन आया। अच्छा, कोटेदार की मृत्यु हो चुकी है? कोटेदार की सर मृत्यु हो चुकी है, जो कि चयन प्रक्रिया पूरे गलत ढंग से अपना करके नए कोटेदार की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि उसके प्रति वीडियो को हम लोगों खंड उप जिलाधिकारी को एक अप्लीकेशन दिया, उप जिलाधिकारी जो है खंड विकास अधिकारी को प्रेषित किया, उसकी आख्या आई, खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी गई है उप जिलाधिकारी। जौनपुर के थाना खेतासराय के ग्राम पोरई खुर्द में सुभाष चंद्र बिंद की दोनों किडनी खराब हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2005 में सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में वे बीडीसी भी हैं। उनको इलाज के लिए अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। भाजपा के खेतासराय मंडल उपाध्यक्ष बलिहारी राजभर ने बताया कि मैं आपकी सहायता हेतु सांसद और मंत्री से बात करके बताता हूं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी सहायता नहीं की। मैं इस समय सदर विधानसभा पुराई गांव में आया हूं, और क्या नाम आपका? सुभाष बिंद का किडनी खराब है, और यहां पे मैं सुभाष बिंद पुराई खुर्द सदर का निवासी हूं, और मुझे किडनी की दिक्कत प्रॉब्लम है, और हमारे 4 बच्चे हैं, अभी तक हमें सरकार का कोई मदद नहीं मिला है। और आपने बीजेपी में कब से हैं? बीजेपी में हम 2005 से हैं। किस किस पद पे हैं? अब पहले हमें छोटे छोटे पद पे रखा गया था, तो उसके बाद हमको मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया, लास्ट में हमको। वर्तमान में क्या हैं? वर्तमान में इस समय हम बीडीसी हैं, पूरे खुद के निवासी हैं। सरकार की तरफ से आपसे कुछ मदद मिला आपको? सरकार की तरफ से अभी हमें कोई मदद नहीं मिला। हम बीजेपी के
एक नेता बलिहारी राजभर जी हैं जो हमें आधी रात को मदद के लिए तैयार रहते हैं, हमको बनारस ले गए, लखनऊ ले गए, पीजीआई में दिखाए हमको। अभी इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी कोई मदद नहीं मिला सरकार की तरफ से, सिर्फ एक लोग मंडल अध्यक्ष खेता सराय उपाध्यक्ष बलिहारी राजभर वही इनको आधी रात के लिए तैयार रहते हैं, वो इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं बलिहारी राजभर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से माननीय मंत्री जी से मैं पूरा सहयोग कराया हूँ और इनको कराता ही रहूँगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के ये पदाधिकारी हैं और इनका मैं दिन रात आधी रात को मैं हमेशा तैनात खड़ा रहूँगा। मैं कृपा शंकर राजभर का निवासी हूँ और इनकी अच्छाइयों के कारण पूरा गांव इनके साथ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद अभी नहीं मिली है। एक गरीब बेचारे की जिससे इनका परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बाद उनकी सहायता हो सके। खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।